यूक्रेन पर रूसी हमले का आज दूसरा दिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन पर हमले के फैसले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड में लोग रूसी हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पुतिन के खिलाफ उनके अपने देश में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस की बड़ी हस्तियों, पत्रकारों का कहना है कि इस युद्ध की शुरुआत कर रूस ने खुद को दुनिया से अलग कर दिया है। उधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दुनिया भर में रूस के एक्शन के खिलाफत से पहले यूक्रेन गए भारतीयों की स्थिति और उनके वतन वापसी को लेकर आप यहां अपनी राय दे सकते हैं। न्यूयॉर्क, पेरिस, बुडापेस्ट, टोक्यो, बर्लिन से लेकर मॉस्को तक लोग कैसे यूक्रेन पर रूस की मिलिट्री एक्शन की खिलाफत कर रहे हैं। उधर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने भी दिल्ली में प्रदर्शन और सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है। यूक्रेन में भारतीय छात्रों के प्रमुख एजेंट हरदीप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। इसमें वह मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने छात्रों को कहा है कि अगर उनके परिजन या जान पहचान के लोग दिल्ली में रशियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करें तो रूसी सरकार पर दबाव बनेगा और हमारा यूक्रेन से निकलने का रास्ता बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।